नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। तीन बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2021 का आगाज अच्छा नहीं रहा है। पहले ही मैच में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। टीम ने पहले मैच में बल्लेबाजी तो ठीक ठाक की, लेकिन गेंदबाजों ने मानो जैसे हथियार डाल दिए हों। चेन्नई अब अपना दूसरा मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत की राह पर लौटने के लिए शुक्रवार को पंजाब किंग्स की मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने गेंदबाजी में सुधार करके उतरना होगा। चेन्नई को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हराया था, जबकि पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से मात दी थी। वानखेड़े के स्टेडियम पर ओस की भूमिका को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। चेन्नई ने यहां पहले मैच में 7 विकेट पर 188 रन बनाए थे, जिसमें सुरेश रैना ने 54, मोइन अली ने 36 और सैम करन ने 34 रनों का योगदान दिया था। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसीज और धोनी उस मैच में नहीं चल सके थे। इसके बाद चेन्नई के गेंदबाज बड़ा स्कोर नहीं बचा सके। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने दिल्ली के लिए 138 रनों के लिए पहले विकेट के लिए साझेदारी कर मैच आसानी से जिता दिया। दीपक चहर, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा और मोइन अली सभी ने जमकर रन लुटाए थे। दूसरी ओर पंजाब किंग्स पहले मैच में 6 विकेट पर 221 रन बनाने के बावजूद रॉयल्स के हाथों हारते हारते बची थी। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे केएल राहुल ने 50 गेंदों पर 91 रन, जबकि क्रिस गेल ने 28 गेंदों पर 40 और दीपक हुड्डा ने 28 गेंदों पर 64 रनों का योगदान दिया था। पंजाब के लिए चिंता का सबब उनकी बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी है। रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने पहले मैच में 63 गेंदों पर 119 रन बनाकर अकेले दम पर टीम को लगभग जीत दिला दी थी, लेकिन वो 4 रन से चूक गए। युवा हर्षदीप सिंह ने आखिरी ओवर में 13 रन नहीं बनाने दिए और टीम को जीत दिलाई थी। मोहम्मद शमी ने 33 रन देकर 2 विकेट लिए थे, लेकिन छाई रिचर्डसन और रायली मेरेडिथ जैसे महंगे गेंदबाजों पर जमकर रन बढ़े थे। आपको बता दें, दोनों पर टीम ने कुल 22 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक मैचों की बात करें तो दोनों ने अब तक 23 मैच खेले हैं, जिसमें 14 मैच चेन्नई ने तो वहीं 9 मैच पंजाब ने जीते हैं। 2020 में खेले गए दोनों ही मैच चेन्नई ने विशाल अंतर से जीते थे। पहला मैच 10 विकेट से, वहीं दूसरा मैच 9 विकेट से जीता था। पंजाब को आखिरी जीत 2019 में मिली थी। मैच वानखेड़े में है तो रनों की बारिश होने की पूरी संभावना है। दोनों टीमों में पावर हिटर की कमी नहीं है तो चौके छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।